आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 16.6। देखो क्या दिया है, एक्स एंड एफ है ना, तो 8, 12, 12, 16, 15, 20, पी 24, 20, 16, 25, 8, 34। तो हमको क्या करना है, हमको पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें इसने मीन दे रखा है दिस, तो मीन का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला हमारा होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, दैट मीन्स अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो एक्स एंड एफ को आप कन्वर्ट करोगे एक्स आई एंड एफ आई में, बस और कुछ नहीं। तो हमने पहले लिख दिया एक्स आई, फिर लिख दिया एफ आई, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट, तो एक्स आई एफ आई, और यू कैन से एफ आई एक्स आई एनीथिंग। ठीक है, लॉ तो इसको हम लिख लेते हैं ए ट्वेल्व, ए ट्वेल्व, ट्वेल्व सिक्सटीन, फिफ्टीन ट्वेंटी, पी 24, 20, 16, 25, 8, 30 एंड 4। नाउ मल्टीप्लाई करो, 9 12 जा कितना होता है 96, तो 96, नेक्स्ट 12 इंटू 16, 12 इंटू 16 इज 160, 192। तो हम यहां लिख देते हैं 192। नेक्स्ट 15 इंटू 20 इज 300। ठीक है, पी इंटू 24 इज 24t, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 24t। हम अलग से लिख रहे हैं ना, तो ऐड करने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट 20 इंटू 16 इज 320। नेक्स्ट 25 इंटू 8 इज 200। नेक्स्ट 30 इंटू 4 इज 120। अब देखो इसने क्या कहा है, सिग्मा, सिग्मा मीन्स एडिशन, तो आप इसको ऐड करो, यहां से यहां तक पूरा ऐड करो, तो देखो क्या आ रहा है, 2 प्लस 6 इज 8, और ये आप पहले से लिख सकते हैं 24t। ठीक है, ना नेक्स्ट 2 टू 4, 4 प्लस 18 इज 22, 2 कैरी। नेक्स्ट 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपका आ गया 1 2 2 1 2 2 8 प्लस 24t, और नीचे है सिग्मा एफ आई, एफ आई को भी ऐड करो, तो देखो कितना आ रहा है आपका, ट्वेल्व प्लस सिक्स, ट्वेल्व प्लस सिक्स इज 18, 18 प्लस 4 इज 22, 22 प्लस 6 28, 29 30 एंड 3 के, तो 3 प्लस 1 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका आ गया 100। तो यहां पर सेम वैल्यू हम लिखते हैं, तो देखो मीन इज 16.6, तो आपका आ गया 16.6 इज इक्वल टू सिग्मा दिस, दैट मीन दिस 1228 प्लस 24p बाई 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका देखो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1660। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1228 प्लस 24p। नाउ इसको लेफ्ट साइड में लेकर आओ, इट विल बिकम अ माइनस, तो आपका आ जाएगा 1660 माइनस 1228, दैट इज इक्वल टू 24t। नाउ माइनस करो 2, 5 में 2 गया 3, 6 में 2 गया 4, 432 इज इक्वल टू 24t, तो p इज इक्वल टू वी कैन से 432 बाई 24। ठीक है, नाउ
अब इसको कट करो, तो हम पहले इसको कट करते हैं फोर से, तो फोर सिक्स जा, नेक्स्ट 108, फिर आपने टू से कट किया, ये आ गया थ्री, ये आ गया आपका 54, फिर थ्री से कट करो, ये आपका आ गया 1 and 8, तो पी इज इक्वल टू 18। आपको एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी एक्स में और एफ में ये डिजिट्स में नहीं आएगा, ये कुल में आएगा, ठीक।